500 साल के संघर्ष के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब रामलला जी अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए। इस दिन का पूरे भारत को बेसब्री से इंतजार था। हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी राम मंदिर को रियलिटी में देखने के लिए। आज इतना पवित्र महान दिन है ना भारत के इतिहास के लिए, असली राम राज्य तो अब बनेगा। कैसे, इस वीडियो में बताऊंगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, क्योंकि राम मंदिर के साथ अयोध्या उत्तर प्रदेश तो ग्रो करेगा ही करेगा, पूरा भारत की इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स खुद मैं रिसर्च करके समझ रहा था, आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वो चैनल है ना जहाँ पर मैं आप सभी के साथ अपनी लर्निंग्स, जो भी अपने जर्नी से एंटरप्रेन्योरशिप मार्केटिंग सीखता हूँ, आप सभी के साथ बिना फिल्टर के शेयर करता हूँ। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले बात करते हैं 22 नवंबर 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और ये रिसर्च कह रही है कि 22 नवंबर से अगले 3 मंथ तक हर रोज 3 से 5 लाख श्रद्धालु हर रोज राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। तो इससे टूरिज्म सेक्टर तो ताबड़तोड़ तेजी से बढ़ने वाला है। जो भी कंपनी टूरिज्म वगैरह सेक्टर में है वो भी ग्रोथ करेगी। और बात करें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट कह रही है 2031 तक 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होगा अयोध्या के अराउंड सारी सिटी को डेवलप करने में। इसके साथ साथ तो 35,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और टूरिज्म के लिए 875 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेवलप किया जा रहा है। शानदार तरीके से पूरी अयोध्या को, आसपास के एरिया को डेवलप किया जा रहा है कि टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ दिखे, और ये दिखेगी भी। दूसरा सेक्टर जिस पर डायरेक्टली प्रभाव नजर आएगा, क्योंकि जब बहुत सारे लोग दर्शन करने आएंगे तो रहेंगे भी कहीं ना कहीं, इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे, वो भी ग्रो करेगा। इसी कारण 73 होटल्स को ऑलरेडी सैंक्शन मिल गई है, 43 होटल्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, रेडिसन, ताज होटल को अप्रूवल मिल गया है। इसी के साथ साथ 500 घरों को सैंक्शन किया गया है कि होम स्टे देने के लिए 2500 रूम्स अलॉट किए गए हैं। जो भी लोग दर्शन करने आएंगे वो घरों में भी रुक सकते हैं 2500 रूम्स में। तो इसी कारण हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी ताबड़तोड़ तरीके से ग्रो करने वाला है। तीसरा सेक्टर जो मिलता जुलता ही है, क्योंकि लोग बाहर से आएंगे तो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी कॉमन सी बातें बढ़ेगा, लोग दूसरी कंट्रियों से आएंगे, तो इसी कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो काफ़ी जगह पर है, पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी भी कम है, बट अयोध्या में डेवलप हो रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेवलप किया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से कि बाहर से लोग आए और अयोध्या को कनेक्ट किया जा रहा है देश के कोने कोने से, कि अगर कोई भी बंदा किसी भी कोने में है ना भारत के, वो दर्शन करने आ सके राम मंदिर के। इसीलिए ट्रेन की मात्रा बढ़ाई जा रही है, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है राम मंदिर के लिए। इसका सीधा सीधा प्रभाव दिखेगा IRCTC पर, लोकल फूड बिजनेसेस पर, लोकल स्टे वाले बिजनेसेस पर। इसी के साथ साथ जहां पहले एक फ्लाइट चलती थी अभी 3 से 4 फ्लाइट चल रही है, तो कॉमन सी बात है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी ग्रो करेगा। अब जो भी कंपनियां इन सेक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे एक कंपनी है प्रवेज लिमिटेड, वो स्टे प्रोवाइड करती है इको फ्रेंडली, उसके शेयर्स में ग्रोथ आई है। इसी के साथ साथ ट्रैवलिंग कंपनी है इजी माई ट्रिप, उसके शेयर्स में ग्रोथ आई है। मतलब वो सारी कंपनीज में ग्रोथ आएंगी, वो इन सभी के साथ एसोसिएटेड है। अब ये तो होगी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक की बात। चौथा सेक्टर जो ग्रो करेगा रियल एस्टेट, इसका प्रभाव देखा है, मैंने रिसर्च की थी तो डायरेक्टली वहां पर लिखा था कि जहां रियल एस्टेट के प्राइसेस पहले 20 लाख में एक जमीन मिलती थी, उसमें सीधा 10 गुना स्पाइक आई है, 10 गुना बूम आया है, आज वो 2 करोड़ में भी जगह नहीं मिल रही। तो 10 गुना रियल एस्टेट के रेट बढ़े हैं राम मंदिर के बनने के कारण। जब पूरा विवाद क्लियर हो गया था तो डायरेक्टली रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ गए थे 10 गुना। तो इसके साथ साथ ना छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स की दुकानें बड़ी चलने वाली है राम मंदिर के कारण। छोटे छोटे मिठाई घर, गिफ्ट्स की दुकानें, जो भी पूजा सामग्री का सामान सेल करते हैं, इन सभी दुकानों में बहुत स्पाइक आने वाली है। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये रिसर्च कह रही है कि 4 लाख डायरेक्ट जॉब और 6 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। और जहाँ पहले उत्तर प्रदेश से लोग माइग्रेट होकर दूसरी स्टेट्स पर जाते थे, अब वहीं पर रह के उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो ये कुछ सेक्टर थे जिन पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिखेगा आने वाले 5 से 10 सालों में। ये थे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो मैंने रिसर्च करके आप सभी के साथ शेयर किए।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। कोई फैक्ट एंड फिगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ आप जानते हैं कि कौन सा और सेक्टर ग्रो करेगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। सभी को नॉलेज मिलेगी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स से। हर बार आकर वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज प्रदीप साहनी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।